ओम नमः शिवाय। अधिक मास ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष बृहस्पतिवार दशमी तिथि दिन भर लगी रहेगी। चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चलते रहेंगे। आज के जन्मे जातक सुंदर, लोकप्रिय, दयालु, दानी, धैर्यवान और प्रसिद्धि पाने वाले होते हैं। ऐसे जातक व्यापारिक बुद्धि वाले, सही निर्णय देने वाले, गणित, साहित्य एवं भाषा आदि में रुचि रखने वाले और कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। ये सरल हृदय वाले, सुलझे मस्तिष्क वाले और उच्च स्तर के लोगों से मित्रता रखने वाले भी होते हैं। इनको सामाजिक ख्याति अच्छी मिलती है और अपने पुरुषार्थ से धन उपार्जन करने में सफल रहते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, सूर्य और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में ही चलते रहेंगे। आज की शुभ तिथि को गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। आज के दिन किसी भी पवित्र नदी पर जाकर स्नान, ध्यान, दान इत्यादि करना चाहिए। इससे जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन माता गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। इस पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के जीवन के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनमें 3 पाप कायिक, 4 पाप वाचिक और 3 तरह के मानसिक पापों से छुटकारा मिलता है। इस दिन नदी में खड़े होकर गंगा स्तोत्र का पाठ करने से अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मेष राशि वाले जातकों के मन में कई तरह के विचार चलते रहेंगे। मन को किसी एक विषय पर एकाग्र करने में दिक्कत होगी। पारिवारिक सुख संतुष्टि में कमी महसूस करेंगे। माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी। चंद्रमा आपकी राशि से छठवें बैठे हुए हैं। काम रुक रुक कर होंगे और उत्साह की कमी का संकेत मिलता है। नवीन कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। हालांकि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। अध्ययन अध्यापन में सहयोग बना रहेगा और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। वृष राशि वाले जातकों के बौद्धिक क्षमता और शारीरिक ऊर्जा में विकास होगा। बुद्धि चातुर्य से अपने व्यावसायिक गतिविधियों में सफल रहेंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। अधूरे और रुके हुए काम संपन्न होंगे। संतान संबंधी अनुकूलता और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति होगी और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां और अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों की सकारात्मक कार्य ऊर्जा बनी रहेगी और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। घरेलू व निजी निवेश के लिए आज की मानसिकता बनी रहेगी। व्यावसायिक योजनाओं के कई अवसर सामने आएंगे। नई कार्य योजनाओं के लिए भागीदारी लाभदायक रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता हासिल होगी। बच्चों से संबंधित सुखद समाचार मिल सकता है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आपके आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी। निजी निवेश और वैवाहिक मामलों के लिए समय अनुकूल रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की कार्य क्षेत्र के प्रति विस्तार और विकास की मानसिकता बनी रहेगी। संबंधित मामलों में आ रही अड़चनें खत्म होंगी। काम की अधिकता के साथ साथ ऊर्जा स्तर भी बढ़ा रहेगा। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक लाभ बना रहेगा। रुकी हुई या नई कार्य योजनाएं चालू होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मगर संतान पक्ष से चिंता संभावित है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानी बनाए रखें। सिंह राशि वाले जातकों को धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाभ के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। उत्साह और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र का प्रबंधन उचित ढंग से होता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रति आपकी सक्रिय सोच जारी रहेगी। मित्रों से सहयोग व आर्थिक लाभ बना रहेगा। बच्चों और पारिवारिक मामलों में सुख और संतुष्टि मिलती रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत वाला दिन है। अपनी आंतरिक ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में करते जाएं, मगर कुछ कामों में रुकावट व विवाद का संकेत मिलता है। सावधानी अपेक्षित है।
कन्या राशि वाले जातक ऊर्जावान महसूस करेंगे और रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। व्यावसायिक योजनाओं में साझेदारी सफलता दिलाएगी। मित्रों और सहयोगियों से भी लाभ संभावित है। बड़े निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। तुला राशि वाले जातकों के आर्थिक मामलों में व्यय की स्थिति, अनचाहे यात्रा और अपने घर गृहस्थी पर खर्च की प्रवृत्ति बनी रहेगी और यदा कदा मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव संभावित है, मगर शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक लाभ मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा, मगर व्यय भी संभावित है। व्यावसायिक योजनाओं में विवाद या रुकावट को टालना होगा। संतान व शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूलता बनी रहेगी और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की आय संबंधी संसाधनों की वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र के उत्थान की प्रवृत्ति बनी रहेगी। अपने आप में ऊर्जावान महसूस करेंगे और आध्यात्मिक प्रेरणा का योगदान मिलेगा। आपके रहन सहन, खान पान और जीवन स्तर में सुधार और घर परिवार के माहौल पर ध्यान आकर्षित होगा। व्यावसायिक योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा। बच्चों के मामलों में व्यय की स्थिति अभी बनी रहेगी। धनु राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र को सुचारू ढंग से चलाने की प्रवृत्ति बनेगी व नई कार्य योजनाओं के विस्तार में सहयोग मिलेगा। पिता के प्रति सहयोगी रवैया बना रहेगा, मगर स्वास्थ्य के प्रति चिंता का संकेत मिलता है। वाहन सावधानी से चलाएं। व्यावसायिक योजनाओं की जटिलता आप अपने बुद्धि कौशल और मेहनत के बल पर सुलझाने में सफल रहेंगे। भावनात्मक उत्तेजना कायम रहेगी, फिर भी प्रतिकूल माहौल को अपने अनुसार करते जाएंगे। सहयोगियों से वाद विवाद संभावित है। आय संबंधी मामलों में सहयोग जारी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। मकर राशि के जातकों के ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपका मन धर्म क्षेत्र के प्रति ज्यादा केंद्रित रहेगा। धार्मिक भावना बलवती होगी। कार्य योजनाओं की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। नई योजनाओं में निवेश और साझेदारी का योग बना हुआ है। संबंधित मामलों में उचित दिशा निर्देश मिलता जाएगा। वाहन और सुख सुविधाओं से संबंधित वस्तुओं में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है, मगर अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है। नई कार्य योजनाएं लाभदायी होंगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, मगर कुछ कामों में रुकावट हो सकती है। व्यावसायिक विवाद और उलझने संभावित हैं। चंद्रमा का आठवें होना आर्थिक लाभ और स्वास्थ्य को संवेदनशील बनाता है और मन में नकारात्मक विचारों के उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है। यात्रा संभावित है। वाहन धीमे चलाएं और सावधानी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कार्य योजनाओं में चल रही रुकावटें दूर होंगी और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। आर्थिक लाभ के लिए सहयोग बना हुआ है। पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर अमल करें, लाभ मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। साझेदारी के मामले आज के लिए अनुकूल रहेंगे। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें। बच्चों से संबंधित मामलों में चिंता बनी रहेगी और वैवाहिक प्रयास सफल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।